हरदोई के थप्पड़बात कोतवाल, आपको बता दे हरदोई का एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पिता की हत्या पर न्याय की गुहार लगाना एक युवक को काफी भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर जिसका वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। एक बार फिर खाकी को शर्मसार करती यूपी पुलिस नजर आ रही है। लापता पिता का शव नहर में मिलने के बाद जब पीड़ित अफसर से न्याय की गुहार लगाने आया तो शहर कोतवाल ने पीड़ित को ही थप्पड़ जड़ दिया। उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली तभी से यूपी पुलिस का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला था। अपराधियों में पुलिस का खौफ इतना कि गले में तख्ती टांग कर खुद सरेंडर कर देते थे। लेकिन हाल ही में हरदोई जिले में एक ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो पूरे पुलिस महकमे को शर्मसार करती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि पुलिस की सुरक्षा आपके हाथ में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिस से जरा संभल कर रहे हैं क्योंकि पुलिस कभी भी आप पर थप्पड़ बरसा सकती है और मुख्यमंत्री अभी तक सो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरा वाक्य कि सोशल मीडिया पर कितनी तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। आखिर कार्रवाई के नाम पर क्या होता है? कार्रवाई के नाम पर उस दोषी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया जाता है, जबकि ऐसे लोगों की नौकरी जानी चाहिए, उन पर कानूनी ठोस कार्रवाई हो जानी चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो की असल हकीकत। परिवार का नहीं हूँ मैं। फिर क्या देखो मेरा भाई गाड़ी क्यों बंद करा रहा इनको? मैं भरभरा नहीं रहा हूँ। और क्या कर रहा है? उन्होंने कहा कि भैया मिल लो बढ़िया, ठीक है मिल रहा हूँ। मिलने बहुत बड़ा नेता बन रहा है ये। गाड़ी निकालो भैया, नेता के लिए सारी बुझा लो। बता रहे गाड़ी का गाड़ी भैया मार क्यों रहे हो? वीडियो बना रहे वीडियो। सलमान भाई अपनी फिल्म भले ही ना लेकर आ रहे हो, लेकिन यूपी पुलिस ये कमी खोनी नहीं दे रही। दिल में आए तो गाना भी गा लीजिए, पांडे जी बैठे ऑन ड्यूटी, सड़क पर बजाए थप्पड़ ही थप्पड़। गुरु मामला भी कुछ ऐसा है। वीडियो में खली स्टाइल में थप्पड़ मार रहे ये हरदोई शहर कोतवाल संजय पांडे हैं। सड़क पर एक मामला अपने तरीके से सुलझा रहे थे, तभी उनकी निगाह गई एक शख्स पर। लगा कि वो वीडियो बना रहा है। फिर क्या था, मामला छोड़कर वीडियो बनाने वाले का मामला सेट करने लगे। ऐसा थप्पड़ मारा मानो उस आदमी के गाल पर किसी ने मिसाइल मार दी हो। ना मिसाइल तो गाल पर कटते वाला झंझनाहट तो जरूर महसूस हुई होगी। पहले आप देखिए कि आखिर हुआ क्या है। मैं परिवार को ना आप परिवार का नहीं हूँ मैं। फिर क्या देखो मेरा भाई गाड़ी क्यों बंद करा रहा इनको? मैं भरभरा नहीं रहा हूँ। और क्या कर रहा है? उन्होंने कहा कि भैया मिल लो बढ़िया, ठीक है मिल रहा हूँ। मिलने बहुत बड़ा नेता बन रहा है ये। गाड़ी निकालो भैया, नेता के लिए सारी बुझा लो। बता रहे गाड़ी का गाड़ी भैया निकालिए। मार क्यों रहे हो? वीडियो बना रहे घूम रहा वीडियो। थप्पड़ खाने वाले आदमी को मामला समझ में आया हो ना आया हो, हम आपको जरूर समझाएंगे। मामला पिनही थाना क्षेत्र का है। यहाँ के बखिया निवासी रामेश्वर पुत्र बुद्धा का 10 दिन पहले गांव के ही कुछ लोगों से विवाद हो गया था, जिसके बाद वो लापता हो गए। आरोप लगा कि पुलिस FIR लिखने में लापरवाही बरत रही। इसके बाद शनिवार को जब लाश बरामद हुई तो घर वाले पोस्टमार्टम करा के शव हरदोई ले आए और DM बंगले के पास न्याय की गुहार लगाने लगे। DM बंगले के पास जाम लगा तो कोतवाल संजय पांडे फुल फॉर्म में पहुंच गए। पहले एक आदमी को हड़काया और उसके बाद दूसरे को लपेट दिया। घूम रहा है वीडियो बना रहे हैं। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। ये थाना कोतवाली शहर का मामला है, DM चौराहे का। एक व्यक्ति जिसका पोस्टमार्टम करा करके परिजन और गांव के अन्य लोग जा रहे थे DM चौराहे के पास, वहां पर उन लोगों ने जाम लगाने का प्रयास किया। पुलिस को सूचना मिली,
पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उनको उनके घर बिहानी भेज दिया है। शिकायत मिली है उनके साथ कुछ बदसलूकी हुई है, इस पर राजपत्रित अधिकारी से जांच करा करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या पूरे मामले में तथ्य पाए गए अभी तक? अभी तक जो पता चला है कि वो पिहानी के रहने वाले थे और उनका पोस्टमार्टम करा करके परिजन ले जा रहे थे। वहां पे कुछ उनके साथ परिजनों के साथ कुछ और लोग थे जो कि वहां जाम लगाने के प्रयास किए, इसी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सर, किस पुलिस अधिकारी पर जो है कोई एलिगेशन? प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर पे आरोप लगाया जा रहा है, उसकी हम लोग जांच करा।